आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत अर्जेंट वीडियो है जिसको मैंने आज यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर इस मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत मतलब अहम हो सकता है। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे एक मेजर जो है स्टार्ट यहाँ पे हो सकता है बिटकॉइन। तो आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान रख के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ पे मैं पूरा जो है बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन और आप लोग को इथेरियम की चार्ट भी यहाँ से शो करके यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप आगे हो सकता है। क्योंकि अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं जो टोटल मार्केट क्या है यहाँ पे जो है 2 ट्रिलियन से ऊपर अभी है, मतलब 8% जो है अभी बढ़ा हुआ था तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हो रहा है। वो क्यों हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे सीएमई गैप है तो वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है, पूरा डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्टकॉइन में आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। क्योंकि ये जो शॉर्ट वीडियो रहने वाला है तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं और इसमें क्या कुछ हो सकता है इसको शॉर्ट में आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट कैप अभी आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 ट्रिलियन से ऊपर है। तो अभी मतलब बिटकॉइन बुलिश है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो आप लोगों को ध्यान रख के यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज वो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अगर बेल के आइकन को आप लोग क्लिक करके यहाँ पे रखिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्रिप्टो करेंसी की अपडेट हो गया तो एनएफटी की जो भी न्यू गेमिंग की प्रोजेक्ट होता है तो उसमें भी मैं यहाँ पे वीडियो लेके आता हूँ ताकि जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट है मैंने पहले भी इस वीडियो में आप लोगों को साथ शेयर किया था तो इसी चार्ट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था अभी 1-2 दिन पहले तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट बताया था जो 44,000 था। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ से रिटर्न ले लिया, रिवर्स लिया है बिटकॉइन ने और अभी जो है 48,700 लगभग यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोगों को अभी क्या करना है, अभी एमएसडी भी बुलिश है तो यहाँ पे देख सकते हैं फुल्ली बुलिश है, बहुत कुछ न्यूज़ है अभी मार्केट में। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो है 49,000 जो है ये एक जो है थोड़ा रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे जो है एक सीएमई गैप था। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सीएमई गैप तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक सीएमई गैप था जिसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 49,200 लगभग यहाँ पे एक सीएमई गैप है जिसको ये फील करके या हो सकता है यहाँ पे रिटर्न आ सकता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 32,000 से एक जो है सीएमई गैप अभी रह गया है जिसको ये हो सकता है इसको फील कर सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी बुलिश न्यूज़ बहुत सारा है तो इसकी वजह से अभी हम लोग न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, टेक्निकली चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसको थोड़ा बहुत आप लोग को मतलब ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, जो मेरा कम्युनिटी है मैं चाहूँ उसको सपोर्ट करूँ तो यहाँ पे आप लोग को इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इस जो डेंजर जोन है इसको आप लोग अगर इसको ब्रेक करता है बिटकॉइन तो आप लोग को फुल्ली बुलिश यहाँ पे होना है। ठीक है, मार्केट में कुछ भी न्यूज़ हो लेकिन चार्ट जो बोलता है वो सही बोलता है तो आप लोग को थोड़ा बहुत इसको ध्यान रख के यहाँ पे चलना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन जो है फुल्ली बुलिश कंडीशन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमएसडी भी अभी जो बुलिश है अभी ग्रीन हिस्टोरिकल जो है यहाँ पे बनना चालू है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है तो थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे 21 को बिटकॉइन ने अच्छा खासा क्रॉस किया है, 50 को भी क्रॉस किया है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो है बेरिश कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग इसको थोड़ा देख के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अपलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो आप लोग इसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा बिटकॉइन की अपडेट, इसको थोड़ा देख सोच समझ के आप लोग यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये फ्रेंड्स इथेरियम का चार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इथेरियम की चार्ट अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। तो ये देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा बहुत इसको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को विजिबल हो। तो ये देख सकते हैं ये जो है इसको थोड़ा बहुत आपको जो है ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तो आप लोग को ये छोटा सा ट्रेंड लाइन है लेकिन इस छोटा बहुत थोड़ा सा सपोर्ट है तो इसको थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए जो इथेरियम के लिए जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो है 3,580 की एवरेज पे यूएसडी आप लोग को यहाँ पे देख सकता है। तो आप लोग थोड़ा इसको देख के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बाइंड नहीं किया है तो यहाँ पे थोड़ा जो है $2,800 तक यहाँ पे अगर इथेरियम आता है तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा बाइंग बना सकते हैं। और जो मेजर रेजिस्टेंस है इथेरियम के लिए तो ये है जो है $4,000, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर लेता है इथेरियम तो फुल्ली बुलिश कंडीशन में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन सब जो है पूरा बीटीसी के ऊपर
मतलब होता है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखिए। और हम लोग ऑल्ट कॉइन के बारे में जानते हैं, तो ऑल्ट कॉइन यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था तो आप लोग को याद होगा, तो यहाँ पे जो है 1 ट्रिलियन से जब तक ऊपर है मार्केट, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर 1 बाय 1 जो है पम्प आता रहेगा, तो आप लोग को ध्यान में रखते हुए इसको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने बताया था 1.5 ट्रिलियन से ऊपर अगर मार्केट के आप जो ऑल्ट कॉइन भी है वो क्रॉस करता है, तो सारे जो कॉइन है फुल्ली बुलिश कंडीशन में यहाँ पे देखेंगे। तो अभी जो है बहुत बढ़िया कंडीशन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस रेंज में अभी चल रहा है 1.14 ट्रिलियन तक अभी जो है मार्केट, यहाँ पे मार्केट में मनी आ चुका है। तो अभी जो है ऑल्ट कॉइन के अंदर अच्छा खासा बूमिंग होगा। तो अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके लिए ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट कैप है, तो ये अभी है 1.17 ट्रिलियन, ठीक है। इसको अगर एक बार ब्रेक कर देता है तो ऑल्ट कॉइन जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर सारे आपको दिखेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर डाउन आता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको संभाल के यहाँ पे ट्रेड करना है। हाँ तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को देख सकता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है यहाँ पे 44 जो है 44% जो है ये मतलब सपोर्ट बना के रहा है बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ पे भी इसने टच किया था, इसके नीचे थोड़ा आ गया था, लेकिन इसको इसने फिर से ब्रेक करके यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल रहा है। जैसे आप लोग को पता है यहाँ पे मार्केट में बहुत बुलिश न्यूज अभी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस भी अभी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके नीचे अगर आ जाता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर बहुत बढ़िया बूमिंग भी आ सकता है। लेकिन अभी अगर मार्केट के आप कम नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा आपको देख के यहाँ पे ट्रेड करना है ऑल्ट कॉइन में, ठीक है। अगर मार्केट के आप कम हो जाता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा जो इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसको मैं देना चाहता था मेरे कम्युनिटी के लिए। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल के आइकन को क्लिक करके रख सकते हैं, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस चैनल पे ले जाऊँ तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। अगर इस वीडियो में आप लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को अपना यार दोस्त के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से आप लोग ट्रेड कीजिए, अच्छा खासा अर्निंग यहाँ से निकालिए।